वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल. कैसे हो आप सब? आई होप दैट एवरीबॉडी इज डूइंग सेफ एंड फाइन. अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है. प्लीज टेक अ मोमेंट टू हिट द रेड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. एंड इफ इन केस यू ऑलरेडी सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक यू सो वेरी मच. आज के वीडियो के लिए आई एम बैक विथ योर फेवरेट काइंड ऑफ वीडियोज. ऐसे वीडियोज आपको हमेशा बहुत अच्छे लगते हैं. आई थिंक इट हैज बिकम अ सीरीज नाउ ऑन आवर चैनल, जहां पे हम नए प्रोडक्ट्स ट्राई एंड टेस्ट करते हैं. आज हम वायरल कुछ प्रोडक्ट ट्राई करने वाले हैं एंड दैट आई हैव बीन सीइंग दिस ऑल ओवर द इंटरनेट एंड मुझे इसको जरूर ट्राई करना था. एंड ऑल्सो बिकॉज समर्स आ गए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट योर स्किन रियली वेल. सनस्क्रीन लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इट प्रोटेक्ट योर स्किन फ्रॉम हार्मफुल यूवी रेज, कैंसर, प्रीमेच्योर एजिंग, बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं अगर हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अप्लाई सनस्क्रीन, प्रोटेक्ट योर स्किन रियली वेल. एंड सनस्क्रीन चूज करते टाइम हमें कुछ फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए, जैसे SPF सन प्रोटेक्शन फैक्टर, PA कितना है सनस्क्रीन में, विच इज प्रोटेक्शन ग्रेड ऑफ UVA. ये सारी चीजें हमें जरूर कंसिडर करनी चाहिए वाइल चूजिंग अ सनस्क्रीन. सो आज मैं कुछ ऐसी सनस्क्रीन के बारे में बात करने वाली हूँ. एक्चुअली आई एम टॉकिंग अबाउट 3 सनस्क्रीन फ्रॉम द सेम ब्रांड. एंड आपने भी ये सनस्क्रीन ये ब्रांड हर जगह देखा होगा. आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड सनस्कूप. ये सनस्कूप की सनस्क्रीन इतनी ज्यादा वायरल हो रही थी. दे हैव अ वैरायटी ऑफ सनस्क्रीन, एक नहीं दो नहीं, काफी सारी सनस्क्रीन है इनके पास एंड दीज आर गोइंग वायरल लाइक एनीथिंग. सब इनको यूज कर रहे हैं, सब इनको रिकमेंड कर रहे हैं. सो आई रियली वॉन्टेड टू ट्राई व्हाट्स द हाइप बिहाइंड दीज प्रोडक्ट. आई ऑल्सो पिक्ड अप 3 सनस्क्रीन सो मैं आपके साथ ट्राई कर सकूं, टेस्ट कर सकूं एंड लेट सी व्हाट्स द हाइप बिहाइंड दिस सनस्क्रीन. एंड तीनों ही अलग अलग स्किन टाइप को केटर करती है एंड आई एम रियली एक्साइटेड स्पेशली फॉर दिस इवन टोन टिंटेड सनस्क्रीन के कैसा टिंट देती है, क्या है ऑल ओवर. सो आई रियली होप दैट यू एंजॉय वॉचिंग दिस वीडियो. विदाउट फर्दर डू लेट्स क्विकली डाइव इन. ओके, सो सबसे पहले बात करते हैं इस सनस्क्रीन के बारे में जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड हूँ. दिस इज द ग्लो इवन टोन सनस्क्रीन फ्रॉम सनस्कूप. दिस इज SPF 50 PA प्लस 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 प्लस. दिस इज फॉर कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन एंड दिस इज हाउ द टेक्सचर ऑफ द सनस्क्रीन लुक लाइक. आई वॉज रियली एक्साइटेड टू अप्लाई इट ऑन माई फेस के शेड मैच कैसा रहता है मेरी स्किन के लिए. एंड जैसे ही मैंने इसको अपने फेस पे अप्लाई किया ना, इतने अच्छे से इतने स्मूथली ब्लेंड हो रहा था एंड बिल्कुल भी व्हाइट कास्ट नहीं दे रहा था. एंड इट हैज अ टिंटेड इफेक्ट टू इट जो कि मेरी स्किन की पिगमेंटेशन को भी इवन कर रहा है. अगर आपकी पिगमेंटेड स्किन है ना, आपको पिगमेंटेशन कवर करनी है, यू वॉन्ट समथिंग टू वर्क एज योर मेकअप बेस एज वेल. अगर आप डेली ऑफिस जाते हो, कॉलेज जाते हो, यू वॉन्ट समथिंग जो आपकी स्किन को इवन कर दे अलॉन्ग विद प्रोटेक्टिंग योर स्किन, क्योंकि इसमें SPF 50 भी है तो ये प्रोटेक्ट भी करेगा साथ ही साथ आपकी स्किन को इवन भी कर देगा. सो फॉर दैट इट्स अ ग्रेट ऑप्शन. आई थिंक वन ऑफ द रियली गुड टिंटेड सनस्क्रीन दैट आई हैव ट्राइड बिकॉज इट गिव्स नो व्हाइट कास्ट एट ऑल. द टिंट इज रियली ब्यूटीफुल, इट गिव्स इवन लुक ऑल्सो एंड बिल्कुल भी ग्रीसीनेस और हैवी फीलिंग नहीं देता. इट्स वेरी लाइट वेट ऑन द स्किन एट द सेम टाइम. आई रियली रियली लाइक इट एंड वॉज रियली सरप्राइज. अभी इसको यूज करने के बाद आई अंडरस्टूड व्हाट्स द हाइप बिहाइंड दिस सनस्क्रीन. इट्स सो 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 गुड इफ यू वॉन्ट समथिंग दैट इवन्स अप योर स्किन एंड आपको टिंटेड सनस्क्रीन अच्छी आप ढूंढ रहे थे. योर रिसर्च एंड्स हियर. ये आपको लिटरली काफी ज्यादा अच्छा लगेगा. आई वुड हाईली हाईली रिकमेंड यू गाइज टू ट्राई दिस आउट इफ यू आर लुकिंग फॉर अ रियली गुड टिंटेड सनस्क्रीन. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सनस्क्रीन जो कि डेफिनेटली मेरे लिए तो नहीं है, बट इफ यू हैव ऑयली स्किन यू आर गोना लव दिस सनस्क्रीन. सो ये है अल्ट्रा मैट ड्राई टच सनस्क्रीन. दिस इज SPF 50 PA प्लस प्लस प्लस. बहुत अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करेगा एंड दिस इज हाउ द टेक्सचर ऑफ दिस सनस्क्रीन लुक लाइक. देख के ही समझ में आ रहा है दैट इट हैज दैट बिल्कुल मैट वाला टेक्सचर. एंड जैसे आप अपनी स्किन पे इसको लगाओगे ना, ये आपकी स्किन को कम्प्लीटली मैट बना देगा. एंड ऑनेस्टली दिस इज गोना बी बेस्ट फॉर पीपल विथ ऑयली स्किन, क्योंकि समर्स में ना आपकी स्किन काफी ज्यादा ऑयली हो रही होती है. सो यू हैव टू अवॉइड प्रोडक्ट्स दैट फील हैवी ऑन योर स्किन. एंड ये इनफैक्ट इतने ज्यादा लाइट वेट है, ऑयल को कंट्रोल करता है. अलॉन्ग विद दैट इसमें सैलिसिलिक एसिड भी है जो कि आपके एक्ने ब्रेकआउट्स को भी कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, क्योंकि गर्मियों में ना काफी ज्यादा सेबम प्रोडक्शन होता है, आपकी स्किन काफी ऑयली हो सकती है, उसकी वजह से एक्ने ब्रेकआउट होने के बहुत चांसेस होते हैं. इफ यू हैव ऑयली स्किन आई एम श्योर दैट यू कैन रिलेट. तो अगर सैलिसिलिक एसिड होगा तो वो आपके सीबम प्रोडक्शन को भी कंट्रोल करेगा एंड इट विल मेक श्योर दैट आपको उतने एक्ने और ब्रेकआउट्स नहीं हो रहे हैं. साथ ही साथ आपकी स्किन पे बिल्कुल भी कोई हैवी फीलिंग नहीं है अलॉन्ग विद प्रोटेक्टिंग योर स्किन रियली रियली वेल. सो अगर आपकी ऑयली स्किन है एंड यू आर स्केयर्ड ऑफ यूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोडक्ट्स बट स्टिल आपको अपनी स्किन को तो प्रोटेक्ट करना ही है ना, सो दिस इज अ ग्रेट ऑप्शन फॉर यू. जो कि बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं होता कि आपने अपने फेस पे कुछ लगा रखा है, इट्स ऑलमोस्ट लाइक नथिंग ऑन द स्किन एंड अच्छे से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट भी करता है. So this is something that you can definitely try if you have oily skin. Okay, the last one and the best one and something that you cannot skip. ये है सनस्कूप का हाइड्रेटिंग फ्लूइड सनस्क्रीन विच इज नॉट ओनली अ फेस सनस्क्रीन बट अ बॉडी सनस्क्रीन ऑल्सो. एंड दिस इज सच अ कन्वीनियंट प्रोडक्ट दैट यू रियली नीड राइट नाउ. दिस इज SPF ऑफ 60 एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ स्प्रे सनस्क्रीन. सो कितना ज्यादा कन्वीनियंट बन जाता है ना ये लगाने में. उसके साथ साथ समथिंग दैट आई एब्सोल्यूटली लव अबाउट दिस दैट दिस इज ग्रेट फॉर ड्राई
skin. And as it says, it's a hydrating fluid. It's really, really hydrating. It gives a very nice dewy look to your skin. Along with that, this face fluid, it's very, very, very lightweight. It's almost like a water. You know, it's still lightweight, but still very hydrating on the skin. I don't know. They have just nailed it with the formulation or something. This is really, like some of... जो मैंने प्रोडक्ट्स यूज किए ना कुछ फैक्टर्स उनके बहुत शॉकिंग थे बिकॉज दिस इज सो लाइट वेट इट्स ऑलमोस्ट लाइक वाटर ऑन द स्किन सी दिस इज हाउ इट गोज सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक वाटर ऑन द स्किन स्टिल इट्स वेरी हाइड्रेटिंग कीप्स योर स्किन मॉइस्चराइज्ड एंड गिव्स अ नाइस ड्यूई लुक टू योर स्किन जैसे मैं इसको अपने फेस पे लगाती हूँ आप इसको बॉडी पे फेस पे कहीं पे भी लगा सकते हो एंड इंस्टेंटली एकदम स्किन में एकदम मेल्ट हो जाता है एंड इट हैज no white cast at all I mean you can literally see how glowy and dewy my skin looks and bilkul bhi heavy feel nahi hota hai along with protecting your skin this is doing so much to your skin and the best part is it is so convenient you can retouch it reapply it anytime you want jahan pe bhi body pe face pe you can just carry it with yourself and reapply kar sakte you do not have to you know kind of do any hassle just spray karo and acche se blend kar lo and you're good to go so this is my absolute favorite and I would highly recommend you guys to try this out Alright guys, that's it. With that, we come to an end of this video. ये थे सनस्कूप के तीन हाइप सनस्क्रीन्स जो हमने ट्राई किए What do you think of these? Do let me know down below. आपको कौन सा अच्छा लगा एंड अगर आपने कोई यूज किया है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी एंड ऑल्सो दीज आर डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड तो आप इनको सेफली यूज कर सकते हो एंड दैट्स इट आई सी यू नेक्स्ट टाइम इन माय नेक्स्ट वन टिल देन स्टे सेफ स्टे हैप्पी बाय बाय